पसंद आए। नहीं ऑडियंस ने अच्छी नाराज नहीं करना। ये आबशार बनी हुई है, देसी आबशार। ये देखे ऐसे आते ना जैसे वो पहाड़ों से पानी गिर रहा होता है। ये हमारे गांव की देसी आबशार बनी हुई है भाई, अपने पहाड़ ने। अज असि पंजाबी च ना व्लॉगिंग करके देखिए। अज दा व्लॉग होएगा मित्रों ते बेलियो ते सजनो, साडा पंजाबी च व्लॉग। अज आए हैं असि पहाड़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। सबसे पहले तो आपको और आपके अहले खाना को मेरी तरफ से ईद की ढेरों खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। आज ईद का दिन है, आपने सो के ईद नहीं गुजारनी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, न्यू सूट सिलवाते हैं, न्यू जूते लेते हैं, लेकिन घर आकर सो जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, एक ही तो ईद का दिन होता है, आपने इसे खूब इंजॉय करना है। सारा साल काम ही करने, सारा साल सोना ही, एक ही दिन आता है इंजॉय के लिए, तो आपने इसको मिस नहीं करना। तो सबसे पहले अभी ईद की नमाज पढ़ते हैं, तो बाकी दिन की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। पसंद आए। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिस्टर फियाज बेग। मिस्टर फियाज बेग क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजरी। अल्लाह का शुक्र, ज्यादातर सो के ही गुजरी है। मैं भी सुता हूँ ऐसी, बस देख लो। मैं क्या, चल यार थोड़ा जा एंजॉय हो जाएगा। नहीं सुता उठ के आया तेरी कॉल पे। चलो तो मैं क्या व्लॉग में, चल अब चलते हैं एंजॉय करने। पहले वापड़ा लेके दीदी। तो यार सारा दिन ईद का सो सो के गुजर गया, बल्कि मेरी तो आंख खुलती रही थी बीच बीच में। ये जो बंदा है ना, एदा अल्लाह हाफिज़ा। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, कैसे हैं। ऑडियंस ने तेरे चित्र फेरने हैं, उन्हें कहना था व्लॉग नहीं बनया मुंडे का सारी दिहाड़ी। यार सुबह उठा, उठ के ईद की नमाज अदा की, लोगों से दोस्तों से ईद मिली। ईद मिल के मैं गाँव आया तो आके मैं मेरा एक दोस्त तलहा है उससे मिला। ये जब मैं, ये मेरे जो शहीनाबाद आया हुआ था, मैं इसके गांव आया हुआ था, तो इसलिए इसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें मिलता हूँ जब मैं घर चला गया। मेरा खाने का टाइम हो गया, फिर इसका खाने का टाइम हो गया, ये सो गया। अब ये शाम टाइम उठ के आया, तो मैंने कहा चलो आउटिंग पर जाते हैं। हमारी तो गाँव वालों की ईद तो ऐसे गुजरती है, शहर वालों की ईद होती है वो रात को जाते हैं पार्कों में इंजॉय वगैरह करते हैं, हमारी तो ईद होती है गाँव की। ये भाई साहब पुरसकून माहौल गांव का, हर तरफ हरियाली, प्योर ऑक्सीजन। कभी आओ ना तो आकर आप यहां का माहौल इमेजिन करो, आपका दिल खुश हो जाएगा। नेचुरल प्याज लग रहा है। ये प्याज की फसल लगी हुई है, प्योर देसी प्याज। अभी जो प्याज आ रहा है वो वाइट कलर का आ रहा है, वो नहीं चाइना का है ना प्याज, वो जो आप खा रहे हो ना वो चाइना का प्याज है। प्योर जायका जो प्याज का होता है ये गांव वालों के प्याज का होता है, ओरिजिनल ऑर्गेनिक। सौंफ आज आपको हर चीज में दिखाऊंगा। ये प्याज लगा हुआ है इधर। अच्छा, ओ जड़ी चाय च पा के आप पी दिया था। अच्छा अच्छा, ये फ्रेश सौंफ। ए कैसे निकालते हैं इसमें से, ऊपर से तोड़ के ये सब्ज मिर्च लगी हुई है जो आप हांडियों में डालते हो, ये वो फ्रेश सब्ज मिर्च यहाँ से टूट के। लोगों ने तो पूरे पूरे फार्म बनाए होते ना, हम ये इन्होंने तो अनीस लोगों ने जस्ट घर के लिए उगाई हुई है कि हमारे घर के लिए जितना गुजारा हो जाए, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा इसके बड़े बड़े फार्म बनाए होते हैं जो वहाँ से तोड़कर मंडियों में लेके जाते हैं और वहाँ से फिर
आगे आपके दुकानों पर जाती है, मंडियों से फिर दुकानों पर जाकर आप उसे अपने घरों में लेके आते हैं। वो सारा प्रोसीजर यहाँ से होता है। वो सौंफ लगी हुई है, सौंफ के बहुत फायदे हैं। और ये कौन सी चीज़ है? ये तो फालसा है मेरे को। नहीं शतूत है, मेरा फालसा है। नहीं, ये तो शतूत है। शतूत है ये? शतूत। अच्छा शतूत। और ये फालसा है। हाँ, ये फालसा लगा हुआ है, छोटा छोटा। ये फालसा लगा हुआ है जिसका आप बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी जूस बना के पीते हो। अक्सर फालसे की बोतलें भी मिलती हैं। उकाड़ा से मैं जाता था ना, वहाँ से बड़ी मज़े की फालसे की बोतलें मिलती थी। और ये फालसा ये मेरे घर भी लगा हुआ है। मैं आपको विज़िट करवाऊँगा वहाँ का। ये वाला फालसा मेरे घर भी लगा हुआ है। ये अनार, ये वाइट वाले के रेड वाले छोटे हैं? ये रेड वाले हैं। रेड वाले हैं। अच्छा, जो बड़े बड़े हो जाते हैं। और ये अमरूद लगा हुआ है। ये अमरूद का पौधा है। पौधा कहते हैं, दरख्त कहते हैं, बूटा कहते हैं, दरख्त भी कहते हैं। जो मर्जी इमेजिन कर लो। तो ये अमरूद है, छोटे छोटे और छोटे छोटे भी लगे हुए हैं अभी। कहाँ पे? महीने दो लग जाने अजय न पक्के हूं। ये क्या है? नींबू, लेमन, जिसकी आप शिकंजी में पीते हो और आप अपनी हांडियों में भी डालते हो। ये नींबू की फसल है। अभी जब ये सारे, ये अभी देखे ना वाइट वाइट से इसके ना फूल बनना शुरू हो गए हैं। तो ये फूलों से फिर लेमन बनेगा जिसे नींबू कहते हैं। और ये माल्टे हैं। अभी माल्टों को फिर फूल डलेगा। वो भी आपको सारा मैं विजिट करवाऊँगा अपने व्लॉग में। लेकिन अभी माल्टों की सारी कटाई हो चुकी है, तो इसलिए शाम का टाइम है। यहाँ पे वॉक पे आए थे हम, तो सोचा मैंने आपको सारा ये बागात वगैरह सारा विज़िट करवाऊँ। ये भी सारा आगे माल्टों के बागात लगे हुए हैं। और ये जामुन लगा हुआ है, इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। आई थिंक ये मैदे के लिए अच्छा होता है ना? मैदे के लिए जामुन बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर क्या कर चीज़ है? गोला, गोला नूंगले से की कहते हैं? ब्लैकबेरीज आई थिंक। ब्लैकबेरी नहीं कहते? हाँ वही कुछ कहते, ब्लैकबेरी कहते हैं। हाँ हाँ, चलो ऑडियंस से पूछ लेते हैं भाई से, गोलों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वो कहते हैं ना जैसे इसकी इंग्लिश क्या है? ये ब्लैक ब्लैक, ये बड़ी मजे की होती है। नहीं याद है ना जब हम कलर लग जाए? नहीं, ये देखें, ये बड़ी मजे की होती है। अनीस याद है ना जो आप स्कूल पढ़ते होंगे सके, जो आप स्कूल शिफ्ट किया सी, तो रस्ते जाते अपन मिलियन से आप कि तोड़ तोड़ खा दिया सी। यमी ये जो खाला है ना, ये पहले ना पक्का होता था। पिछले ज़माने में तो मिट्टी वाला होता था ओनली, है ना? पिछले ज़माने में ना ओनली मिट्टी का होता था। जैसे वोड़ा, इसके अंदर पानी छोड़ते हैं तो फिर वो आगे खेतों में जाता है। तो फिर ये जो खाला है ये बना ईंटों वाला, ईंटें लगा लगा के ना सीमेंट के साथ ये बना। फिर अब ये जदीद तरीका आ गया, नहीं से क्या बोलते हैं, पता नहीं से क्या बोलते हैं। ये बनिया बनाया ना, ये मिलती है खाले की ना, तो ये बनी बनाई ऐसे ही ज़मीन में लग जाती है और सीमेंट के साथ जो इसके होते हैं ना जॉइंट वगैरह, जोड़ वगैरह, उसे सारा कवर कर देते हैं। तो ये सारा आगे तक बन गया हुआ है, कुछ रह गया ऐसा, कुछ बन गया हुआ है। ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, अगर कभी नहरी पानी ना आए तो। ये अभी ट्यूबवेल का पानी आ रहा है ना? ट्यूबवेल का पानी आ रहा है ना? हाँ, ये अभी ट्यूबवेल का पानी आ रहा है। जब नहरें चल जाती है ना, फिर नहरी पानी आता है, यहाँ पे ट्यूबवेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारा इन्होंने देखा ना बड़ा प्यारा तरीके से बनाया हुआ है। जैसे ही यहाँ से जहाँ भी इन्होंने जिस खेत में भी पानी गुजारना हो, ये जो नक्का बोलते हैं इसे आप अपनी ज़बान में क्या बोलते पता नहीं क्या, तो इसको उतार देते हैं और दूसरी साइड पे लगा देते हैं। फिर ये जो पानी है ये उस डेरे की तरफ चला जाता है, जिनका डेरा होता है
हर डेरे के आगे उन्होंने ये नक्का बनाया होता है, तो पानी सारा वहाँ चला जाता है। ये ट्यूबवेल है, तो अगर बिलफर्ज किसी का पानी नहीं जा रहा, ज़रूरत पड़ गई है एमरजेंसी, फिर ये ट्यूबवेल चला लेते हैं, फिर ट्यूबवेल से डायरेक्ट पानी निकल के खेतों को लगता है। मनीष ते स्टूत ही नहीं खाना हट रहे, स्टूत ही है ना। हाँ, और वो सामने भाई लोग तोड़ी कवर कर रहे हैं। ये सारे गांव में अपना अपना लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं। यार ये तोड़ी गंदम की कटाई होगी है? नहीं अभी तो नहीं हुई, लेकिन ये आई थिंक जो पहले वाली है ना, जो लास्ट सीजन में तोड़ी बनी थी, वो आ रही। मेरी सुन के गंदम की कटाई होगी है यार, है तो तोड़ी भी चुकन लग पे आ। नहीं नहीं, और तोड़ी भी चुकन लग पे आ, मशीन भी लग गई। हाँ जी, वो परली साइड तेरे कच्ची है यार चीज। हाँ अच्छा 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 मैंने लास्ट टाइम आपको शो करवाया था, वहाँ पे जो थी गंदम वो अभी सब्ज कलर की थी। मैंने कहा अभी पकने में महीना लग जाएगा, लेकिन मैं इस साइड पे आया हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पे तो तोड़ी भी इकट्ठी कर रहे हैं। ये जो होती ना ये गंदम की ये साड़ी पाए ना, तोड़ी कहने और की कहते इन कुटल कही तोरी कुटल छोटा सा ट्रैक्टर, इसको इसके साथ बांध देंगे गया था। ठीक है बंदे से, ठीक है मंड के रखो। तो फिर ये जहाँ पे हो, मतलब कि मैं प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेनी आपने, मैं सारा प्रोसीजर दिखाऊंगा। अभी बहुत गंदम पड़ी हुई है यहाँ, टेंशन नहीं लेनी, ऑडियंस ने उसे नाराज नहीं करना। ये आबशार बनी हुई है, देसी आबशार। ये देखिए ऐसे आते ना जैसे वो पहाड़ों से पानी गिर रहा होता है, ये हमारे गाँव की देसी आबशार बनी हुई है भाई साहब। शहरों में मिलता है ऐसा माहौल कोई? किधर है बस घोड़ा ही लगी है। इन्होंने हमारे साथ मोए मोए कर दिया। कैसा इत्तेफाक है, हम लोग बनाते आ रहे थे, हमें रास्ते में ये लोग मिल गए। जानी कैसे हो? कैसे ईद गुजरी है आप लोगों की? ईद यार सो के गुजरी है। अच्छा सुबह की सो रहे हैं, अभी चला पाएगी कल आई थी यहाँ के बैठे। व्लॉग रह गया था रुके, तो सारे तूने खत्म कर दिए यार। इधर ऊपर दिखा देने ना सारे। इधर भी स्पीड ज्यादा, इधर चला व्लॉगर मसूम गया। और भाई आप नहीं खाई रहे होंगे मेहमान। यहाँ पे ईद का सेकंड डे हमारा आज यहाँ पे गुजरा। 2 बजे मेरा काम खत्म हुआ, मुझे कोई काम था तो 2 बजे मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो अभी शाम का टाइम है तो वॉक पे निकले, तो हमने कहा चलो स्टेशन की तरफ पहाड़ों की तरफ आते हैं वॉक पे। ईद का सेकंड डे हमारा ऐसे गुजरेगा। फर्स्ट डे मेरे लिए जनाब ये है रहमान बेग, मेरे कजन। कैसे हो रहमान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं कह रहमान ने भी व्लॉग चला लिए हैं। किधर आए हो सर तुम आज? आजो फिर अगे आजो अगे ऑडियंस ने दस रहा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी है ना गर्मियां, ठंडी ठंडी हवा दा अपने मजा होंदा। सामने पहाड़ ने अज असीं पंजाबी च ना व्लॉगिंग करके देखिए, अज दा व्लॉग होएगा मित्रों ते बेलियो ते सजनो साडा पंजाबी च व्लॉग। अज आए हां असीं पहाड़ां ते, थोनू असीं पहाड़ वहावांगे अज। पिछली बार तो दिखाए सी ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਰਦੂ ਚ ਵਿਖਾਏ ਸੀ ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਲਿਆ ਮੈਂ
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਾੜ ਵਹਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਵਹਾਣੇ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੈਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਲਾਸਟ ਵਲੋਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ये शहीनाबाद का रेलवे स्टेशन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मनाजिर यहाँ से शहीनाबाद के रेलवे स्टेशन के हमारा तो नारायण का काम यहीं पे बना हुआ है मरी क्या नारायण का काम क्या ऐसे सीन होते हैं वहाँ पे ठंड होती है और बर्फबारी होती है यहाँ सिर्फ पहाड़ हैं और बर्फबारी कौन सा होती है यहाँ पे पहाड़ तो है ना ये शहीनाबाद जंक्शन है क्योंकि यहाँ से हर तरफ ट्रेन जाती थी तो इसलिए ये सारी लाइनें हर तरफ बिछाई हुई हैं लेकिन ये वाली लाइन भी वीरान हो चुकी है वो जो लास्ट पे लाइन जा रही है वो भी वीरान हो चुकी है क्योंकि उस पर माल गाड़ी आती थी और वो जितना भी पत्थर होता था ये देख रहे हो आप बजर मोटा बजर से कहते हैं बजरी और ये वो लेके वहाँ से पहाड़ों से तो ऐसे रोड के साथ साथ बिछाते थे रोड कह दिया सॉरी पटरियों के साथ साथ बिछाते थे यहाँ पे तो जितना भी पाकिस्तान में पत्थर सप्लाई होता है वो इस एरिया से सप्लाई होता है ये लीवर लगा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला ये लीवर लगा हुआ है तो जब किसी ट्रेन को चेंज करना हो तो इसको ऐसे खींच के पीछे करते हैं अभी तो जंग की वजह से ये जाम हुआ पड़ा है तो इसे लीवर को खींच के पीछे करते हैं फिर ये जो पटरी है ना ये अपनी जगह से हट जाती थी तो दूसरी लाइन पे वो जैसे भी था जैसे भी वो प्रोसीजर करते थे तो ट्रेन दूसरी लाइन की तरफ मुड़ जाती थी क्योंकि एंडरलो ट्रेन का होता नहीं तो इस लीवर के थ्रू ट्रेन को मोड़ते हैं वो सामने ना कैबन बने होते हैं वो सामने कैबन बना हुआ है मेन जो लीवर का कंट्रोल होता है वो उस कैबन के साथ होता है तो वहाँ से सारे लीवर को कंट्रोल किया जाता है ये एमरजेंसी लीवर होते हैं अगर एमरजेंसी हो तो इधर से भी हो जाते हैं ये भी लाइन वीरान पड़ी हुई है ये भी लाइन वीरान पड़ी हुई है ये लाइन वर्किंग में है और मैं आपको दूसरी साइड पर लाइन्स दिखाता हूँ जो अभी वर्किंग पे है ये जो लाइंस है ना ये वाली और वो वाली ये दोनों अभी वर्किंग में यहाँ से ट्रेन आती है गुजरती है आगे से जहाँ भी जाना हो वो लीवर खींचते उधर को ट्रेन मुड़ जाती है लेकिन वो जो पहाड़ी वाली साइड पे लाइनें हैं ना ट्रेन की वो सारी अब वीरान हो चुकी हैं तो ये कुछ शहीनाबाद स्टेशन का यहाँ से सीन आपको दिखा रहा हूँ ये मस्जिद बनी हुई है जो मुसाफिर होते हैं उनके नमाज के लिए मस्जिद बनी हुई है ये छोटी सी कैंटीन बनी हुई है यहाँ पे जैसे हर स्टेशन पे मौजूद होती है आपको पता है कुर्सियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हल्के हल्के बादल आ गए हैं और यहाँ पे हमारी व्लॉगिंग स्टार्ट होती है तो अभी बैडमिंटन खेलने आए हैं आपको पता था अभी मैं पहाड़ों पर गया था मैं वहाँ पर भी व्लॉग बनाया अब हम आए हैं बैडमिंटन खेलने वहाँ पे तो शाम हो गई थी हमें इसलिए हमने अभी टिक्का पार्टी भी करनी है घर जाके तो गोश्त मैरिनेट होने के लिए दे दिया हुआ है तो अभी हम बैडमिंटन खेलने आए ये अनीस और अवैस लगे हुए उमैर और रहमान लगे हुए ये अली भाई हैं हमारे मेहमान हैं अली भाई कैसे हो ठीक ठाक भाई आप सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक क्या करने आए हो इंजॉय ईद इंजॉय करने आए बिल्कुल ये वो फसल है जो गन्ने की मैंने आपको दिखाई थी कमाद भी इसे कहते हैं जो छोटे छोटे पीसेस में लगाया था माशाल्लाह देखे कितनी तेज़ी से बड़ा हुआ है गंदम भी ब्राउन होगी इसका सारा प्रोसीजर दिखाऊंगा आपको
तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही मजे मजे के व्लॉग देखना चाहते हैं तो मिर्ज़ा हारून भाई व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले तमाम लेटेस्ट व्लॉग आप तक पहुँच सकें। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।